नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब सहारा समाचार में। आप देख रहे हैं खबरें अब तक की। दिन भर की तमाम खबरें लेकर आई हूं मैं गौरी आपके साथ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बलकड़िया गांव के जंगल से मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा, कहा प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी तालिब की हत्या। सहपाठिया के पास जंगल में एक तालिब हुसैन जो कि चंबा का रहने वाला था, उसकी एक डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई। इसके ये पता चलते ही हमारी जो इन्वेस्टिगेशन इस केस में, मर्डर केस में स्टार्ट हो गई थी। हालांकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था और इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास कोई क्लू नहीं था। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे SHO श्री इंस्पेक्टर अरविंद सम्याल ने की थी। उसके बाद इन्होंने थोड़े ही दिनों में बहुत जल्दी इस केस पे काम करके कुछ क्लूज हमें मिले और उसके तहत हमने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है। NGO थर्ड आई एंटी क्राइम टीम ने करवाया T20 क्रिकेट मैच। पूर्व मंत्री रमन भल्ला व पुलिस स्टेशन मीरा साहिब SHO पवन कुमार रहे मुख्य रूप से मौजूद। NGO थर्ड आई फ्रंट एंटी क्राइम जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे NGO के तौर पे यहाँ पे इनकी मदद के माध्यम से यहाँ पे रूरल में खास फोकस इन लोगों ने यहाँ पे किया कि क्रिकेट के टूर्नामेंट के माध्यम से यहाँ पे शेरगढ़ क्रिकेट क्लब हो, यूनाइटेड ड्रीम क्रिकेट क्लब यहाँ पे हो, ताकि रूरल में देहातों में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी को और ज्यादा मतलब यहाँ पे दे पाए। उधमपुर के सलाथिया चौक से हक इंसाफ के लिए रथ यात्रा शुरू की गई। राजौरी के थाना मंडी पुलिस द्वारा सरकारी डिग्री कॉलेज थाना मंडी में नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उड़ता थाना मंडी बनने से रोकना है और हम इतने दूर भी नहीं है, हम उसके बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। पंजाब की मैं आपको मिसाल देता हूं कि वहां कुछ गांव है ऑल फीमेल विलेजेस, वहां कुछ ऐसे एरिया है जहां 70% यूथ इज ड्रग एडिक्ट। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, तो बने रहिए।